पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के लिए प्रचार का शोर तेज। ममता बनर्जी आज हुगली और दक्षिण 24 परगना में 4 रैलियों को करेंगे संबोधित। किसान खोलेंगे मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा। देश भर में FCI दफ्तर के सामने आज प्रदर्शन करेंगे अन्नदाता। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। गृह मंत्री अमित शाह आज जाएंगे बीजापुर। 22 शहीद जवानों को देंगे श्रद्धांजलि। घायल जवानों से भी मुलाकात करेंगे शाह। रफाल सौदे को लेकर घिर सकती है मोदी सरकार। फ्रेंच रिपोर्ट में दावा, सौदे में द सॉल्ट ने भारतीय बिचौलिए को गिफ्ट किए थे 1 मिलियन यूरो। राजस्थान में जनता को लुभाने में जुटी कांग्रेस सरकार। गहलोत सरकार 10 लाख मकानों और दुकानों को देगी पट्टे। तैयारियां जोरों पर। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई आज। कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए हैं गंभीर आरोप। बिहार बोर्ड 10वीं के परिणाम 3 बजे होंगे जारी। छात्र ऑफिशियल साइट पर जाकर देख सकेंगे रिजल्ट। 16,84,000 विद्यार्थियों ने दी है 10वीं कक्षा की परीक्षा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली वैक्सीन की पहली डोज। सिविल अस्पताल में लगवाई सीएम योगी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। महामारी से देश में हालात खराब। 24 घंटे में पहली बार सामने आए 1 लाख से अधिक केस। कई राज्यों में बड़ा खतरा। IPL 2021 पर नहीं स्वास्थ्य मुसीबत का साया। पूर्णबंदी के बावजूद मुंबई में ही होंगे मैच। BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने की पुष्टि। भारत दौरे पर रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव आज द्विपक्षीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होगी चर्चा। एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। बांग्लादेश में महामारी को लेकर बढ़ी सख्ती। आज से 7 दिनों के लिए पूरे देश में पूर्णबंदी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और डोमेस्टिक फ्लाइट्स रहेंगी बंद। नासा का इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर मंगल की सतह पर उतरा। अगली परीक्षा लाल ग्रह की सर्द रातें। पाकिस्तान में 1 किलो चीनी के साथ 100 रुपए पार। इमरान के महंगाई गिफ्ट से आवाम हलकान। भारत से चीनी खरीदने के प्रस्ताव पर पीछे हट चुकी है पाक सरकार। राजा फेराओ के शाप का खौफ दरकिनार। मिस्र में निकली 3,000 साल पुरानी ममी की परेड। पारंपरिक अंदाज में सजाए गए ट्रैक। गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार। 305 अंकों की गिरावट के साथ खुला सेंसेक्स। निफ्टी 15,000 के नीचे। RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज 7 अप्रैल को होगी। MPC मीटिंग के नतीजों की घोषणा। जनता के लिए राहत की उम्मीद। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। बिना रिजर्वेशन कर सकेंगे सफर। रेलवे आज से शुरू करेगा 71 अनारक्षित ट्रेनें। टेलीफोन कंपनियों की बढ़ सकती है मुश्किल। कस्टमर्स की जरूरत कितना पूरा कर रहे हैं टैरिफ प्लान। ट्राई करेगा सर्वे। टिकटॉक के पास कर्मचारियों को वेतन देने के भी लाले। कर चोरी में बैंक खाते फ्रीज। बाइट डांस कंपनी ने अपने 4 खातों को फ्रीज करने के फैसले को चुनौती दी।